राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आज़ादी से पूर्व रियासत काल में मंदिरों मस्जिदों में सेवा करने वाले विशेष वर्ग के परिवारों के भरण पोषण हेतु कृषि भूमियों जोतने हेतु दी जाती थी। उक्त भूमियों पर किसी प्रकार का लगान अथवा कर नहीं लगे, इसलिए ऐसी भूमियों को डोली भूम इत्यादि नाम से वर्गीकृत किया गया है एवं उसी अनुरूप राजस्व अभिलेख में भूमियों की किस्म भी दर्ज कर दी गई है। देश आज़ाद होने के बाद बने राजस्थान काश्तकार अधिनियम 255 के 1955 के तहत अन्य समस्त भूमियों की बाती इन भूमियों पर भी कब्जा काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार नियम प्रदान किए गए हैं। अन्य भूमियों की तरह इनका उपयोग और उपभोग निर्बाध रूप से चल रहा था, लेकिन राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 13/12/1991 के तहत के द्वारा डोली किस्म की समस्त भूमियों के खातेदारी अधिकार विलोपित करते हुए भूमियों को मंदिर मूर्ति के नाम कर दिया गया। मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग होने से उक्त भूमियों में समस्त प्रकार के अंतर्ग्रहण रहन इत्यादि अधिकार स्वतः ही प्रतिबंध हो गए। फलस्वरूप उक्त प्रकार की भूमियों के काश्तकार सरकार की विविध प्रकार की योजनाओं सहायताओं से वंचित हो गए। महोदय, इस प्रकार की भूमियों के काश्तकार सेवा चाकरी करने वाले पुजारी वर्ग हैं जो आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत अत्यधिक कमजोर हैं एवं इनके पास आजीवक के अन्य कोई विशेष विकल्प ही नहीं है। इन भूमियों को मंदिर मूर्ति के नाम पर कर देने से इनका जीवन यापन कठिन हो गया है। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगी कि पूरे प्रदेश में इस प्रकार की भूमियों का सर्वे करवाया जाकर कब्जा काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार राजस्व अधिकार स्वामित्व अधिकार प्रदान किए जाने हेतु नियमों अधिनियमों में आवश्यक संशोधन किया जाकर वांछितों को राहत प्रदान करवाई जाए। धन्यवाद।